आपका स्वागत है पायल किचन में। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं पालक वाली दाल, यानी इसे दाल भाजी कहा जाता है। ये देखिए, इसे बनाने के लिए एक कटोरी तुअर की दाल चाहिए, 3 टमाटर, 1 जुड़ी पालक साफ करके धो ले, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी, 1 आधी अटी तेल, नमक, लाल मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, 2 प्याज, 1 लहसुन की कली, हरा धनिया, हल्दी, थोड़े शेंगदाने और अपना एवरेस्ट मसाला। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो एक कटोरी तुअर की दाल ली है, इसे हम बॉईल कर लेंगे, उसके बाद दाल भाजी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मसाले निकालेंगे पालक वाली दाल बनाने के लिए। हम आधी चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का ठेसा लेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार आपको जैसा लगे डाल सकते हैं। उसके बाद में हम दाल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, गैस ऑन करें। अब गैस ऑन हो चुकी है। कढ़ाई गरम करने के बाद हम इसमें ऑयल डाल देंगे। एक कटोरी तुअर की जो दाल बॉईल हमने की थी, ये बॉईल अच्छे से हो चुकी है। कुकर में आप बॉईल कर सकते हैं। इसमें लहसुन की कलियां डालेंगे और कटी हुई प्याज, सुनहरा होने तक तेल में होने दें। प्याज सुनहरे हो चुके हैं, थोड़ा सा जीरा डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्याज हमारी सुनहरी हो चुकी है। अब हम ये मसाले जो निकाले थे, ये डाल देंगे और इसे ऐसे हल्के से चलाएंगे। ये चलाने के बाद हमें इसमें टमाटर डालने हैं, जो हमने 3 टमाटर कट किए थे, पालक कट की थी 1 जोड़ी। और ये टमाटर हम ढक देंगे अच्छे पक जाने तक। तो फ्रेंड्स, ये मसाला अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं, मसाले में हमने टमाटर डाले थे, टमाटर भी पक चुके हैं। अब हम इसमें थोड़े से शेंगदाने डालेंगे, इससे दाल भाजी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और ये कटी हुई पालक, ये हम इसमें अब डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मसाले में पालक अच्छे से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, ढक दें उसे। तो फ्रेंड्स, पालक अच्छे से पक चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से पक चुकी है पालक, साइड से तेल आ रहा है। ये देखिए, नज़दीक से देखिए पालक किस तरह से पकी है। अब हम इसमें तुअर की दाल जो हमने बॉईल की थी वो डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पालक और तुअर की दाल दोनों हमें अच्छे से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से पकाना है। इससे टेस्ट दाल भाजी को एक नंबर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये दाल और पालक कितनी अच्छी तरह से पक चुकी है, बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। दाल को बढ़िया कलर भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब आप अपने पसंद के अनुसार इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी दाल पसंद है तो आप यही दाल यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक बॉईल होने देंगे, इस तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक दाल पकने दें। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, दाल बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुकी है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी लग रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा पकने के बाद एवरेस्ट मसाला डाल देते हैं, जिससे दाल का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। हम
हमने मसाला डाल दिया है। गरम मसाला एवरेस्ट का पकने के बाद ही डालें, इससे खुशबू और स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम दाल निकालेंगे एक बाउल में, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है बढ़िया पालक वाली दाल, इसे दाढ़ भाजी भी कहा जाता है। इसमें शेंग दाने वगैरह डाल के कितनी टेस्टी दाल बनी है आप देख सकते हैं। आप पराठों के साथ, चावल के साथ इसे खा सकते हैं। एक नंबर पालक की दाल बनी है, ये देखिए कितनी बढ़िया कलर, कितना बढ़िया दिख रहा है आप देख सकते हैं। पालक वाली दाल तैयार है, ये देखिए हरा धनिया रखकर आप सजाकर इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी पालक वाली दाल का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और पायल किचन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।